दोस्तों, मौसम बहुत है सुहाना, है ना? अच्छा लग रहा है ना वेदर? थोड़ी सी ठंड है, पता नहीं ठंड क्यों है ये समझ नहीं आ रहा। तो अभी सूरिका बग होटल का जो फ्लैग था वो नीचे आ गया है, तो उसको ठीक कर दूंगी अभी मैं। और मैं बना रही हूँ अपने लिए डिटॉक्स वाटर। तो मैंने कहा आपको बाहर का मौसम दिखा देते हैं, क्योंकि तो गार्डन तुम्हारा ऐसे सेट हो रखा है, बस अभी जाके बैठ जाऊंगी मैं। इतना काश मेरे पास टाइम होता। आई नो, मुझे किसी ने कमेंट्स में लिखा था, प्रीति आपको अपनी फैंस को पेंट करना है। हाँ यार, मैं करूँगी। अभी सोच रही हूँ, अभी थोड़ा मिड ऑफ जून में ना ये सारी फैंस हम खुद पेंट करेंगे। तो या ये काम करना है। बना रही हूँ अपने लिए डिटॉक्स वाटर। तो इसके अंदर मैंने डाला है नींबू का रस, खूब सारे पुदीने के पत्ते, पतले पतले कटे हुए क्यूकम्बर्स, थोड़ा सा अदरक का रस, और डालेंगे नमक और डालेंगे पानी, और बस रेडी हो जाएगा हमारा डिटॉक्स वाटर। अगर आप लोग अपने डिटॉक्स वाटर में कुछ और भी डालते हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं इसके अलावा क्या डालती थी? मैं यही डालती थी। वैसे मेरे चैनल पे ना एक डिटॉक्स वाटर की रेसिपी भी है, मैं उसका जो व्लॉग है वो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। तो अभी फिलहाल इसमें डालते हैं ठंडा ठंडा पानी। डिटॉक्स वाटर में कोशिश किया कीजिए कि आप उसमें ठंडा पानी डालें, या फिर उसको बनाकर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। यार ये वाटर बॉटल्स मुझे इतनी क्यूट लगती है ना, ये मैंने आइकिया से ली थी, 1 pound की एक थी, कांच की है ये। तो ये पानी फ्रिज में था तो ठंडा है, आप चाहो तो बर्फ भी डाल सकते हो। मैंने पता अभी तो बर्फ जमानी शुरू नहीं करी है फ्रिज के अंदर, थोड़ा सा और डालना पड़ेगा। तो दूसरी बोतल भी निकाल लेते हैं। कॉफी वगैरह नहीं पीनी है आज, डिटॉक्स वाटर पियेंगे। भगवान मुझे इतनी शक्ति दे, वो एक वो है ना, एक प्रार्थना है, मन इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर ना हो। तो मैं बोलूंगी इतनी शक्ति मुझे देना दाता कि मैं पानी पीती रहूं, पानी की चोर हूं मैं। तो गाइस, डिटॉक्स वाटर पीकर देखो मैं कहाँ आ गई हूँ, और ये देखो आप, येलो हाउस। तो हम लोग इस पे ब्लॉग बनाएंगे, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन अब मुझे पता लग गया है कि यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। सो माई फ्रेंड सहाना इज विद मी, और आज हम जिम नहीं गए हैं, हम लोग वॉक पे आए हैं। और मेरे सामने देखो, ओ माय गॉड, पता हम लोग ये बीच में से ऐसे चल कर आए हैं। तो बस यार, आई हैव जस्ट कम डाउन फॉर अ वॉक, थोड़ा रिलैक्स करना है। लेकिन मैंने सोचा था मैं कैमरा बिल्कुल ऑन नहीं करूँगी, बट आई कुडंट रिजिस्ट माई सेल्फ, क्योंकि इतना सुंदर है सब कुछ। मेरे बालों की हालत है बुरी, क्योंकि मैं एकदम बस ऐसे उठ के आ गई। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट, ये इतनी प्यारी जगह होगी। लुक एट दिस, भाई शाहरुख खान और काजोल की याद आ गई यहाँ पर मुझे। थैंक यू सो मच सहाना, से मैं इसके साथ जाना शुरू हुई हूँ ना, आई एम फीलिंग सो गुड। इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, सीरियसली यू शुड स्टार्ट अ जिम सेशंस, सीरियसली। मैंने सहाना को बोला तुम जिम सेशन स्टार्ट करो, स्टार्ट चार्जिंग पीपल लाइक अस। नहीं नहीं, बट बहुत मज़ा आ रहा है। तो हम लोग येलो हाउस के बहुत पास हैं, बट आई विल कम वन डे इसी वीक में आएगा, घबराओ मत, इसी वीक में मेरा येलो हाउस का ब्लॉग आएगा। हाउ इज द वेदर इन दिस एंटायर वीक? इट्स हॉट ना, हाँ। सो होपफुली मैं आऊंगी दोबारा, एंड देन विल मेक अ प्रॉपर ब्लॉग ऑन येलो हाउस। बट या टिल द टाइम यू एंजॉय दिस ब्यूटी। पता है हम लोग इतने पास हैं येलो हाउस के, लेकिन जैसा कि मैंने कहा हम लोग बहुत जल्द आएंगे अबीर और सौरभ के साथ, और एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे येलो हाउस पे। हाँ जी दोस्तों, तो मैं आ गई थी वॉक करके, इनफैक्ट वॉक करने के बाद चेंज करा और अबीर को स्कूल से भी ले आई हूँ। बस अब अबीर के लिए रेडी कर रही हूँ उसका डिनर। यार इतनी प्यारी वॉक थी ना, मैं आप सबको लेकर जाऊंगी, ठीक है? और माइक्रोवेव की आवाज आ रही थी। हम सब जाएंगे, सौरभ जाएगा, अबीर जाएगा, विल मेक अ वेरी नाइस ब्लॉग। इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, आई कांट बिलीव इट। मैं कि येलो हाउस जाना कोई इतना मुश्किल नहीं था दोस्तों। मैं आप लोगों के सामने कन्फेशन करना चाहती हूँ, पता मुझे, मैं आपको वहीं जाकर बताऊंगी कि मुझे क्या लग रहा था कि हम वो येलो हाउस पे कैसे पहुंच सकते हैं। हमें तो वो बाहर हाईवे से लगता है ना, वो एक पहाड़ी के ऊपर येलो हाउस है, वो पूरा आपको कवर करके जाना पड़ेगा, बहुत हाइट पे है वो। तो मुझे पूरी मैं तो सोचती हूँ हाइकिंग वाइकिंग करनी पड़ेगी तो जाके आप वहां पहुंचोगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। ओ माय गॉड, जब मैं आपको दिखाऊंगी ना, यू गाइस विल बी लाइक सीरियसली ऐसे हो गए। मैं तो ऐसे हो गई थी अभी जब मेरी फ्रेंड ने मुझे दिखाया। बहुत जल्द बनाने वाले हैं येलो हाउस पे ब्लॉग, अभी फिलहाल बनाते हैं।
ना बैठो। अबीरी क्या कर रहे हो? चलो क्या हो गया, टायर्ड हो? होमवर्क करना है? मैं हेल्प कर दूंगी। मैंने इसको बोला मैं तेरी कोई हेल्प नहीं करूंगी, तू आज होमवर्क खुद ही करेगा। तो बेचारा भी नीचे आएगा, मम्मी प्लीज कैन यू हेल्प मी। कर दूंगी मैं, ठीक है? खाना खा लेते हैं फिर मैं करती हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? तो भैया आज तो मॉर्निंग की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है। अभी टाइम हो रहा है 8:16, सो 8:16 हो रहे हैं और आप विश्वास नहीं करोगे मैंने अबीर को स्कूल छोड़ दिया। कांट बिलीव इट। उसका ना गेट जो है ना स्कूल का, वो 8:15 पे ओपन होता है। अक्सर ही हम लोग यू नो 8:22, 8:23 तक आते हैं। आज हम लोग बहुत जल्दी आ गए, इतना ट्रैफिक नहीं था। मैंने देखा है थर्सडे फ्राइडे को थोड़ा ट्रैफिक कम होता है मॉर्निंग में, बट इस पूरे वीक में एक बार भी हम स्कूल के लिए लेट नहीं हुए। वंस इन अ वीक ऐसा हो जाता है कि हम एकदम ऑन टाइम पहुंच रहे होते हैं। वैसे तो हम लोग बिल्कुल लेट नहीं होते हैं, तो क्योंकि वीक में दो बार तो एटलीस्ट सौरभ उसको ड्रॉप करता है। तो जब सौरभ ड्रॉप करता है तब तो अबीर बहुत जल्दी पहुंचता है, बिकॉज आपकी बहन बिहाइंड द सीन जितने भी काम होते हैं वो सब कर रही होती है और उन दोनों को फटाफट से निकाल देती है घर से ताकि वो स्कूल के लिए निकल जाए। बट जब सौरभ नहीं होता है देन आई हैव टू डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। खुद उठना, तैयार होना, अबीर का नाश्ता करवाना, क्योंकि जो मम्स होंगी वो मुझसे रिलेट करेंगी। सुबह जो स्कूल जाने से पहले वाला नाश्ता होता है वो इतना आसान नहीं होता है, तो मैं चाहती हूँ कम से कम दो चीजें खाकर जाए, ठीक है? सौरभ देखेगा, हंसेगा, कहेगा तू तो चाहेगी वो 56 भोग करके जाए, बट वो हो नहीं सकता। चाहती हूँ वो एटलीस्ट सीरियल और एक टोस्ट खा के जाए या फिर वो एक ब्रेड और एग खाकर जाए, ठीक है भाई? तो बस यही कोशिश मेरी रहती है। एनीवे अभी चलते हैं जिम। नहीं, जिम से पहले फटाफट जाएंगे घर, घर को फटाफट से ठीक करेंगे, जिम जाएंगे, जिम से वापस आएंगे, एडिटिंग करेंगे, एडिटिंग फिनिश करके भागना है मुझे कॉलेज के लिए। और सौरभ पिक करेगा अबीर को शाम को और आज है मेरा कॉलेज। मॉर्निंग एवरीवन, मैं आया हुआ था वर्क ट्रिप पे। मैं दो दिन से घर से बाहर हूँ, ऑलमोस्ट 3 डेज हो चुके हैं, आज तीसरा दिन चल रहा है। तो बस आज मना है कि यार घर पहुंच जाऊं टाइम पे, तो देखते हैं। अभी सुबह के बजे हैं 6:30, मैं निकल रहा हूँ काम पे। आज मैं लंदन पे हूँ। मैं गया हुआ था काफ़ी जगहों पे यार, मैं एक जगह नहीं था, बेलफास्ट था, मैनचेस्टर था, फिर यहाँ आया हूँ। तो बस मेरी ट्रिप्स रहती हैं तो पता नहीं होता, टाइम ऐसे निकल ही जाता है। लेकिन आज आई डेफिनेटली वॉन्ट टू गो होम। दो तीन दिन होटल्स में रह के और यू नो सारा दिन काम करके बंदा हो जाता है उसका। तो बस कल आज घर जाऊंगा और फिर मुझे कल दोबारा अपने काम पे आना है, एंड देन वीकेंड आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, एंजॉय करेंगे अबीर और प्रीति के साथ। मैं प्रीति के साथ और अबीर के साथ ज़्यादा टाइम भी नहीं बिता पाया इस वीक में। तो कुछ नहीं, आज मैं आया हुआ था हिल्टन वेम्बली, तो मुझे बड़ा याद आ रहा था कि अबीर और प्रीति को बहुत पसंद है ये जगह। तो होपफुली हम जल्दी प्लान बनाते हैं, लेकिन चलो अभी काम पे निकलता हूँ मैं, फिर आप लोगों से मैं ब्रिस्टल में मिलूंगा। मैं जिम में आ चुकी हूँ और हमने अपना वार्म अप सेशन कर लिया है, थोड़ी एक्सरसाइजेस भी कर ली हैं। अब मैं आ चुकी हूँ स्टेयर मास्टर पे, तो इस मशीन को बोलते हैं स्टेयर मास्टर। तो इस पे हम करेंगे 10 मिनट और हर तीन मिनट के बाद हम लोग लेवल चेंज करेंगे। तो अगर मैं दिखा पाई तो जरूर दिखाऊंगी, लेकिन पता है ये दिखने में जितनी आसान लगती है ना उतनी ही होती नहीं है, बट इसके फायदे बहुत हैं। सो लेट्स स्टार्ट 10 मिनट्स ऑन दिस और उसके बाद ट्रेडमिल करेंगे। तो मशीन को मैंने ऑन कर दिया है, ये बोल रही है प्रेस और सिलेक्ट अ वर्कआउट, सो वी जस्ट प्रेस गो। तो जैसे गो होगा इट विल स्टार्ट और मैं लेवल फोर, राइट? फोर अनदर 3 मिनट्स, 2 मिनट्स। तो मैंने लेवल फोर पे से सेट कर दिया है और फॉर अनदर 2 मिनट्स वी विल डू लेवल फोर, देन वी डू लेवल सिक्स फॉर 4 minutes, 7, 8, 3 minutes, and level 9, 1 minute. Today she has increased it. Level 9 पे ले आई है मुझे। Actually पूरे set में है। हाँ। क्या नहीं आज करें। Okay. By the way, how are you? Good. Good, na? She motivates me a lot, guys. Because of her, I'm doing all those things. But no, I'm happy that I'm coming to gym regularly now. I think company makes a lot of difference. It does. हम लोग level 8 पर ही हैं और 8 मिनट्स होने वाले हैं, तो हम level 9 नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, करेंगे कभी नहीं किया, आज करेंगे, आज सब करेंगे। Honestly, well done to ourselves। और हम लोगों ने ये देखो आप 35 फ्लोर्स, ये ना चेंज हो रहा है अपने आप ऑटोमेटिकली। तो ये देखो फ्लोर्स क्लाइम्ड 35 करे हमने,
10 मिनट 24 सेकंड के लिए करा है। मेरा तो जिम हो गया है, मुझे घर जाना है, मुझे एडिटिंग करनी है, तो हमने ट्रेडमिल करी है कुछ 20 मिनट्स के लिए मैंने। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, आई सी यू टुमारो, बाय। बस मैंने जिम कर लिया है, मैं जा रही हूँ घर, करूँगी अपनी एडिटिंग फिनिश और फिर निकलूँगी कॉलेज के लिए। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखना, पता नहीं बर्ड ने कैसे पू करी है हमारी गाड़ी पर, और ये एक बर्ड का काम तो है नहीं, पता है। सौरभ तो भैया ऐसे देखेगा ना और पता नहीं क्या बोलेगा। तो मैं आ गई हूँ सेंसबरी, घर में फ्रूट्स बिल्कुल ख़त्म है, तो मैं स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, अबीर के लिए सलामी, यू नो जो भी स्नैक्स की आइटम्स होती हैं वो स्कूल से आकर खाता है, योगर्ट, वो सब ले जाती हूँ। सौरभ को टाइम नहीं मिलेगा सब खरीदने का, घर में कुछ नहीं, और अबीर आएगा और उसको कुछ मिलेगा नहीं। फटाफट से करते हैं छोटी मोटी शॉपिंग। पता है एक बात है, ये फ्रूट वाले सेक्शन में आके ना, जो बंदा फ्रूट्स नहीं भी खाता होगा ना, उसका भी खाने का मन कर जाए, इतनी वैरायटी है यहाँ पर। मैंने फटाफट से जो जो चीज़ें मैं उठा सकती थी, जो अभी खा सकता है स्नैक्स में, उसको स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद आती हैं, ब्लूबेरीज हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि वो स्कूल से आकर ना स्ट्रॉबेरीज या फिर ब्लूबेरीज ज़रूर खाए, क्योंकि इनमें ना एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और उस वो बहुत हेल्प करते हैं आपकी यू नो एलर्जीज को कंट्रोल करने में। जैसे उसे कोल्ड एंड कफ बहुत रहता है, तो उसमें बड़ी हेल्प मिलती है उसे। उसको ना ये वाला पास्ता बड़ा पसंद है, हालांकि मैं घर में बनाती हूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल टाइम नहीं है। एवरी थर्सडे मुझे जाना होता है और मुझे ऐसा लगता है हाय मैं नहीं होंगी, मेरा बेटा क्या खाएगा, तो मैं छोटी छोटी चीज़ें ले आई हूँ, जैसे एग बाइट्स बहुत पसंद है उसे, तो बस छोटी छोटी चीज़ें ले आई हूँ, उसका योगर्ट ले आई हूँ, क्वेवर्स ले आई हूँ, तो स्नैक्स में खा लेगा। खाना मैं बनाकर जा रही हूँ, दाल चावल, तो वो ठीक रहेगा उसके लिए। और बस अभी फटाफट से लगाते हैं सब कुछ। पता आजकल इतना कुछ चल रहा है, उसके चलते मैंने अपना टीम्स चेक ही नहीं करा। मेरी टीचर की जो मॉम है वो बहुत बीमार चल रही हैं, इसलिए आज वो क्लास नहीं ले सकती, तो आज हमारी हो गई है छुट्टी, तो कोई भी नहीं आया हुआ था, सिर्फ मैं ही थी। और बाद में मैंने अपना टीम्स चेक करा तो उसमें मैसेज आ रखा था कि आज क्लास नहीं है। सीरियसली आई कॉन्ट बिलीव इट। चलो अभी चलते हैं फिलहाल तो। आई एम गुड, हाउ आर यू? सफेदी की चमकार, निर्मा सुपर, अच्छी लग रही है मेरी, बहुत अच्छी, लुकिंग वेरी हैंडसम। ऑब्वियसली मेरे चाचा जी की तो रोड है नहीं है, एनीवे यू लुकिंग वेरी हैंडसम। मुझे ये वाली रोड एक्सप्लोर करनी थी, मेरी बकेट लिस्ट में था, सो वुड यू लाइक टू, हाँ तो आप इसे एक्सप्लोर करना चाहोगे, फिर हम एक अच्छी जगह बैठेंगे, गले तो मिल लो यार, फिर सब कहेंगे सौरभ को आते ही आपने इतनी बातें बोल दी, सौरभ तो गऊ आदमी है, सौरभ तो गऊ आदमी है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगी। गाइस मेरे पीछे देखो आप, वो जो आपको इतनी बड़ी सी एक बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, वो है क्या कहते हैं, ब्रिस्टल म्यूजियम है। खड़ी कहाँ कर रही है यार? एक बात बताओ तुम मुझे, अगर गाइस एक्सीडेंट होते होते बचाए, बंदे की प्रैम पे मैं चढ़ गई थी, मुझे एक बात बताओ, मैं गाड़ी मतलब कि खड़ी करूँगी क्या यहाँ पे, कुछ लगा दोगे? तुम्हारे घर में तो नहीं हो सकता ये, हमारे घर में हुआ है मुझे। कैसे हो गया हमारे घर में? काम बैठ बैठने लग गई हमारे घर में, तो मैंने गाड़ी की, गाड़ी जहाँ हुआ है फिर मैंने आजदा के पास ही, अपनी जिम के पास ही खड़ी करी थी। कहीं पेड़ होगा ऊपर, काम होगा, ऐसे हवा में थोड़ा पोटियां करता जाएगा। मुझे पता था तू आते साथ यही पूछेगा कि तूने गाड़ी, हाँ एक जो है नहीं पता अटैक हुआ है, अटैक सीरियसली, पेट खराब हो गया ना हमारी गाड़ी पे। ऐसे तो कहते हैं बर्ड पू नहीं अच्छे होते हैं, पता बुरी नजर सब कुछ हो जाती है, खत्म। चलो मुझे लगता है मेरा बर्ड पू से कुछ पुराना ही नाता हो गया। माल्टा में याद है जो माल्टा में वहाँ गए थे साइलेंट सिटी, वहाँ पर उर्वशी ने मेरा पूरा सर साफ करा था सीरियसली। तो भाई कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो मेरी क्लास मिस हुई, हस्बैंड के साथ एक डेट मिल गई, तो हम लोग आ चुके हैं पार्क स्ट्रीट पे, और पार्क स्ट्रीट पे मैंने एक, मैं बहुत टाइम से वैसे इस रेस्टोरेंट में आना चाहती थी, इसका नाम है याकी नोरी, लुक्स नाइस, आपके सामने कुकिंग हो रही है, और मेन्यू इनका बहुत ज़्यादा सिमिलर है वागा मामा से, लेकिन प्राइस डिफरेंस अच्छा खासा है, लाइक दिस ये थोड़ा सा सस्ता लग रहा है ना वागा मामा से, है ना, काफ़ी सिमिलर बनाया, लेकिन हाँ मेन्यू सिमिलर बनाया, और इनकी डिशेस थोड़ी सी अलग भी हैं, अच्छा लग रहा है यार मुझे, मतलब कि अगर ये हिट हो गया मुझे लग रहा है हम यहीं आया करेंगे अब।
मेरा एक तो ना पता नहीं मेरी ना एक प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती हूँ पहली बार में। मतलब कि एक बंदा होता है पहले परखता है जानता है, नहीं मुझे लगता नहीं पूरी दुनिया बिल्कुल ठीक है, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, इस पर मुझे सुधार करना है। हाँ डाइट कोक ले लें, कोक जीरो आई थिंक, डाइट कोक इनके पास फाइन, कोक जीरो देन डाइट कोक, या सॉरी सॉरी डाइट कोक। तूने साइड भी ली है? हाँ मैंने वो तो चिकन गियोज़ा बोला ना, चिकन गियोज़ा। ओके आई एम फाइन, कितने को उसमें सारा प्रोटीन की चीज़ें मिलेंगी गाइस। इनका मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनका मेन्यू, तो हम अभी खाना आता है, खाना टेस्ट करके बताते हैं। मैंने इतना बढ़िया कंटेंट बनाया, कैमरा ही ऑन नहीं था, वाओ। मैं हूँ डेली ब्लॉगर, सीरियस इसे कहते हैं रियल ब्लॉगर। एनीवे गाइस खाना आ चुका है और खाना दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इनकी प्लेट्स बहुत अच्छी लगी हैं, सबसे पहली चीज़ वेरी नाइस प्लेट्स। यहाँ आ चुके हैं हमारे ग्रिल्ड चिकन गोज़ा, मैंने ऑर्डर करा है कोंकत्सु, बेसिकली ये प्रॉन कत्सु है और विद प्रॉन्स। सौरभ मुझे मैं से बोलूँ नहीं, मेरी डिश ज़्यादा अच्छी है तेरे से, क्योंकि सौरभ तो अपना नॉर्मल जो वो ऑर्डर करता है चिकन कत्सु, तो वो खा रहे हैं चिकन कत्सु, मैं खा रही हूँ कोंग कत्सु। मैं प्रॉन्स मैंने ऑर्डर करे हैं, तो देखते हैं यार, बड़े दिनों बाद मैं प्रॉन्स खा रही हूँ, लुक्स डिलिशियस, तो खाते हैं। टू गुड, अच्छा लगा मुझे, थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट है भागा मामा से, है ना, क्योंकि हम भागा मामा इतना ज़्यादा खाते हैं कि वो जो टेस्ट बर्ड्स है ना वो हमारे जाते नहीं हैं, तो हम जब भी कभी ऐसे हाँ बस चुके हैं हमारे अंदर, तो अब हमने ये डिफरेंट रेस्टोरेंट जो कि जिसका मेन्यू बहुत सिमिलर है भागा मामा की तरह, खाना अच्छा मुझे अच्छा लगा, आई लाइक इट। तो हम सोच रहे हैं वीर के लिए नूडल्स लेके जाएंगे, तुम्हारा कैसा है? मैं तो तुम भागा मामा ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ये है रेस्टोरेंट याकी नोरी नूडल्स एंड बेंटो एंड सुशी, और ये है पार्क स्ट्रीट पे, तो आप ये देख सकते हो ये हमारा ब्रिस्टल का म्यूजियम है, बहुत प्यारा है अंदर से। किस दिन अबीर को जरूर लेके आऊंगी यहाँ पर, गाड़ी पे तो जो बर्ड्स ने अटैक करा है ना, जाते हैं गाड़ी साफ करा के आते हैं। पता मुझे याद आ गया मैंने कहाँ पे गाड़ी खड़ी करी थी, मैंने खड़ी करी थी अपने जिम के बाहर एक पेड़ के नीचे, ये पेड़ के नीचे ही, हाँ वहीं से ही अटैक हुआ है, मुझे याद आ गया। इसको बाहर क्यों निकाला? चलो चले गाड़ी साफ करवाने चले, उसके अंदर रख देना। हाँ रख रही हूँ, अबीर के लिए भी खाना ले लिया, बबल टी और साथ में नूडल्स। गाड़ी नहीं साफ हो सकती, आधे घंटे से ऊपर लग जाएगा आने जाने में। अरे यार, तो छोटे सूरी साहब आ चुके हैं और अपनी नूडल्स इंजॉय। कैसी लगी नूडल्स, कैसी लगी? वी डिस्कवर्ड अ न्यू रेस्टोरेंट एक्चुअली, मी एंड डैडी वेंट ऑन अ डेट, लाइक लंच, नॉट अ लंच डेट, लेट लंच डेट। बेटा कोई आया बग रहने के लिए कि नहीं आया? ये वीर का बग होटल है, अरे अच्छा बारिश के कारण वो तुम्हारा साइन खराब हो गया, कोई बात नहीं आ जाएगा कोई ना कोई। इस वाले में भी कोई नहीं आया, तो डांस करना पड़ेगा ना, मैं उसको होमवर्क करा रहा हूं यार, आप बॉडी उधर लेके जाना, बॉडी उसके साथ, मेरे को ये देखो मैं थका हूं बहुत, ये गाड़ी इतनी गंदी करते हो ना तुम लोग यार, और आप जो अपने पांव का ध्यान नहीं रखते हो, गाड़ी तो फिर भी एक नॉन लिविंग थिंग है, पांव तो लिविंग थिंग है ना, पांव मतलब कि इंसान की बॉडी का हिस्सा है, इंसान कितनी चीजों का ध्यान रख सकता है। हाय मैं तेरा पेडिक्योर करवाना है मुझे, निकलवाने हैं ये, करवाया तो था मैंने पेडिक्योर, इतना महंगा हुआ तू उसको लड़की की उसकी वीडियो बना रहे थे, व्लॉग बना रहे थे, मैं बैठ के उसको बोला कि ये निकालने को, तो निकाला था उसने, फिर दोबारा आ जाता ना, इश्यूज से होता है यार। यस अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ऐसे ऐसे हवा में रखो, हवा में रखो, प्लीज डोंट राइट इट। Okay. Do you know there was what kind of ages came in the world, like you know, in whole? कैसे पहनते हो ये वाली socks? ऐसे भी। और तुमने वो thin dye मेरी chair पे लगा दी। Anyway. अब यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो ये वाली टांग। अब मुझे वो टांग चाहिए, कैसे मिलेगी मुझे? Tell me the thing. So first came stone age. Yeah. Then came bronze age. तो अभी चल रहा है कॉफी का स्टॉकअप, तुम करोगे? एक मिनट, पहले तुम्हारी सफाई भी जरूरी है ना, वो लिप्स के ऊपर जो हुआ था ना साइड्स में, क्योंकि तुम कुल्ला नहीं करते हो, तुम माउथ वॉश नहीं करते, जीसस जीसस नहीं आएंगे,
जीसस भी कहती है कि अपना मुंह साफ करो खाना खाने के बाद। जीसस भाई तूने ये देखा, तूने ये देखा, स्टारबक्स और नेस्प्रेसो का कोलैब हो गया है। वी आर गिल्ट फ्री नाउ। मुझे पहले लगता था स्टारबक्स की कॉफी काफी टाइम से यूज कर रहे हैं अपने नेस्प्रेसो की मशीन में, लेकिन अब नेस्प्रेसो स्टारबक्स का हो गया कोलैब। जो कॉफी है ना ये सस्ती है इन कंपैरिजन टू जो नेस्प्रेसो की स्लीव्स है। ये कितने की आती है? या £2.75 की, वो आती है £4 कुछ की। अब मैंने सबको दिखा दिया येलो हाउस, ठीक है, मतलब ये दूर से, दूर से मैंने तो देखा नहीं। हाँ अब हम सब जाएंगे, मैं तू और अभी, ठीक है, इस वीकेंड पे हमने जाना ही है येलो हाउस, ठीक है, और हम प्रॉपर उस पे व्लॉग बनाएंगे, ठीक है, सबको दिखाएंगे। हाँ चिपट जाएगी वो कौन चिपट जाएगी कौन नहीं चिपटेगी ये तो हम आपको उस व्लॉग में ही बताएंगे, ठीक है। भूत आने वाला है, भूत। गाइस मैं पर एक बात बता रही हूँ, अगर मैं येलो हाउस गई और भूत मेरे साथ वापस आया, मैं सच्ची कह रही हूँ मैं लाइव आ जाऊंगी उस भूत के साथ, मैं तुम लोगों के कारण इतना बड़ा वो उठाऊंगी गए पे जोखिम। इट्स नॉट रियल यार मम्मी, जस्ट बेटा एक बात बोलूं, पर है ना रूमर्स तो है ना, अगर सच हो गए ना रूमर्स। जीसस लोग रहते हैं, पर हम आपको येलो हाउस दिखाएंगे जितनी हो सके उसकी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर रही हूँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ भी है। क्लॉक टावर तो बहुत फेमस है वो क्लॉक टावर, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब इतना फेमस है कि पता नहीं लग पाया। एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं, जब मैं आपको उसके एंट्रेंस दिखाऊंगा ना मुझे कहोगे क्या है प्रीति ये रहा था येलो हाउस। अब तो मुझे ये भी डर लग रहा है कि येलो हाउस इतने पास है मेरे घर के, पता नहीं रात को अपना भ्रमण के लिए भूत आता हो, यू नेवर नो। ऐसा कुछ नहीं होता यार। गाइस कमेंट्स में बता देना आप भूतों में विश्वास करते हो कि नहीं करते हो, क्योंकि मैं तो करती हूँ, मुझे आई बिलीव इन भूत। पता इस तरह कुछ अभी नॉटी बोलना था बोला नहीं, चुप करके मुझे पता कुछ नहीं बोला, मेरे बारे में बोलना हो नहीं, नहीं, पागल है तो, लेकिन मैं तो विश्वास करती हूँ। अगर आप भी करते हो तो ब्लॉग तो कमेंट्स में लिख देना, बाकी येलो हाउस तो जाना ही जाना है, अब जाना ही पड़ेगा, जल्दी चलेंगे फिर वीकेंड पे जाएंगे। बहुत सरकास्टिक था गाइस, चलो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ठीक है, चलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, लव यू, बाय।